everyone, this is Shubhra and welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, आज के इस वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा excited हूँ because आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ready होने वाली हूँ for my birthday celebration. So, yes, आज शाम में cake cutting होने वाला है and for that, मैं जिस way से ready होने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ share करूँगी. So, मैंने जो भी outfit लिया है, जो भी accessories मैंने purchase की है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ share करूँगी. In fact, आपके साथ ही ready होंगी. So, I am super excited and I hope कि आपको आज का ये पूरा वीडियो अच्छा लगे. So, अभी हो चुके हैं 4, अभी शाम के 4 बज रहे हैं एंड नाइट के लिए मुझे रेडी होना है. सो आई थॉट कि मैं लाइव आप लोगों के साथ ही रेडी होती हूँ, सो दैट यू नो बर्थडे सीरीज चल रहा है हमारे चैनल में. सो बर्थडे के लिए जो मैं रेडी हो रही हूँ वो तो मुझे आपके साथ शेयर करना ही चाहिए. सो बात करें आउटफिट की, तो आउटफिट ऑलरेडी आप इंट्रो में देख चुके हो. सो आज इवनिंग में घर पे ही जो केक कटिंग होगा उसके लिए मैं वो सेम आउटफिट वेयर करूंगी जो ऑलरेडी आप लोगों ने इंट्रो में देख लिया है. बाय द वे, 3-4 अलग अलग आउटफिट्स मैंने बर्थडे के लिए परचेस किया है बिकॉज उसके मल्टीपल रीजंस थे. एक तो सबसे पहले हमने एक पिकनिक प्लान किया है फॉर माय बर्थडे एंड हम बैंगलोर में रहते हैं, सो हमें जाना है नंदी हिल. तो वहाँ के लिए थोड़ा ऐसा कुछ आउटफिट चाहिए था जो काफ़ी कंफर्टेबल भी हो एंड प्रेजेंटेबल भी लगे, तो वो अलग आउटफिट है. तो उस तरीके से और भी चीज़ें हैं बिकॉज मेरे साथ साथ मेरे माँ पापा भी हैं यहाँ पे. माई इन लॉज आर हियर विद ऑल ऑफ अस. सो जब मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूंगी तो आई विल बी वेयरिंग अ साड़ी. सो इस तरीके से बर्थडे के 4-5 आउटफिट्स हो चुके हैं. सो डोंट वरी, आई विल बी sharing all these things with you all. So, एक बार वो सारे events हो जाए फिर मैं last में एक video जरूर बनाऊंगी sharing all those outfits. And मैं थोड़ा confused भी थी कि आज के video के लिए मैं कौन सा outfit आप लोगों के साथ share करूं. So then finally I decided कि पूरे month intro में जो आप देख रहे हो it would be better अगर मैं वही outfit के साथ वही look आप लोगों के साथ share करूं. I hope कि आपको अच्छा लगे, helpful हो and products में जितने भी use करूंगी उन सब के links आपको नीचे description में मिल जाएगा. Mostly मैंने सब कुछ Amazon से purchase किया है तो आप डायरेक्टली नीचे जाके वहां से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द आउटफिट एंड द ज्वेलरी, ये दोनों चीजें ऑफलाइन हैं. लाइक हम यहाँ पे बैंगलोर में एक फिनिक्स मॉल है, हम वहां गए थे एंड वहां के ही स्टोर से मैंने आउटफिट, ईयरिंग्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पिक की है. तो आई थिंक वो ऑनलाइन उसका लिंक तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, बट बाकी मेकअप के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी. एंड येस, हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कॉन्टेंट. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ. वैसे तो आप इंट्रो में देख चुके हो बट दिस इज द आउटफिट विच आई एम गोइंग टू वेयर. लाइक पिंक के जितने भी शेड्स होते हैं, स्पेशली रोज गोल्ड, लाइट पिंक, बेबी पिंक, ये वाला शेड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. सो दैट्स व्हाई द बर्थडे ड्रेस हैज टू बी इन दैट शेड. सो ये एक कंप्लीट फ्लोर लेंथ ऑफ शोल्डर ड्रेस है. यहाँ पे आपको ऊपर ऐसे बहुत प्यारा सा व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का नेटेड फ्रिल मिल जाता है जिसमें ऐसे थ्रेड वर्क किया हुआ है एंड ये काफी फ्लोई एंड काफी डिसेंट प्यारा सा ड्रेस मुझे लगा. सो ये कम्प्लीटली मेरे टेस्ट को मैच कर रहा था. मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कम्प्लीटली ऐसे कवर भी करे मुझे बिकॉज मेरे साथ पेरेंट्स भी होंगे, तो आई डेंट वॉन्टेड कि कोई शॉर्ट ड्रेस हो, कुछ भी ऐसा हो. एंड ये ऑफ शोल्डर भी है, इसको मल्टीपल वेज में मैं कर सकती हूँ. लाइक ये ऑफ शोल्डर की तरह भी काम आ सकता है, वन साइड शोल्डर की तरह भी मैं इसे वेयर कर सकती हूँ एंड कम्प्लीटली ऊपर नॉर्मल रख के भी मैं वेयर कर सकती हूँ. एज वेल एज लेंथ इसकी फुल है, दैट्स व्हाई ये कन्वीनियंट था मेरे लिए, मैंने ये ड्रेस पिक कर लिया. ड्रेस के लिए हम वेरामोडा एंड ओनली ये दोनों को फिगर आउट कर रहे थे कि शायद कोई ड्रेस वहां से पसंद आ जाए, बट वो तो मुझे पसंद नहीं आया. बट वहां से मैंने ज्वेलरीज पिक की. सो दिस इज द नेक पीस विच आई गॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोल्डन कलर का इस तरीके से चोकर सॉर्ट ऑफ है एंड देन उसमें ये एस्थेटिक सा चेन अटैच्ड है जिसमें से पर्ल्स लगे हुए हैं व्हाइट कलर के एंड ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. एक बार में देख के मुझे ये पसंद आया एंड आई थॉट कि इस ड्रेस के साथ ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज ड्रेस में व्हाइट कलर का फ्रिल है एंड अगर मैं ऑफ शोल्डर टॉप पहन रही हूँ तो इस टाइप का कोई चोकर इसके साथ बहुत अच्छे से पेयर किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस. बट येस, ऑनलाइन ये अवेलेबल है या नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया है. सो मैं लिंक तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी. टॉकिंग अबाउट द प्राइस, अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो दिस इज फॉर 995. यस, दिस इज फॉर 995 रुपीज. सो देन नेक पीस के बाद मुझे चाहिए थी एक बहुत अच्छी सी इयररिंग्स जो कि इसमें मैच हो जाए एंड देन सडनली मेरी नजर पड़ी उनके इयररिंग्स के सेक्शन में वेयर आई गॉट दिस पेयर ऑफ इयररिंग्स. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. सो बेसिकली ये प्रॉपर गोल्डन कलर का नहीं है, ये रोज गोल्ड शेड में है एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट टेकिंग दिस बिकॉज
जो मैंने नेक पीस उठाया वो गोल्डन कलर का है एंड देन ये रोज़ गोल्ड कलर का है. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये दोनों साथ में मैच होगा या नहीं होगा, बट स्टिल मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लगा. एंड अगेन इसमें वाइट कलर के ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं, तो ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा अगेन. तो आई थॉट कि ठीक है मैं पेयर करके देखूंगी, अगर जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज दोनों में से कोई एक ही मैं वेयर कर लूंगी. एंड एनी वेज इसे हम बहुत सारे अलग अलग आउटफिट्स में यूज़ कर सकते हैं. सो अगेन दिस आई टुक फ्रॉम ओनली एंड दिस कॉस्टेड मी 780 rupees. सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल गया, लाइक 780 rupees का ही है ये, बट काफ़ी ज़्यादा यू नो लग्जूरियस फील दे रहा है. इसमें प्यारे से ऐसे पेटल्स बने हुए हैं एंड इसमें डिटेलिंग बहुत ही क्यूट, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दैट्स वाई आई जस्ट गॉट दिस वन. सो इन चीज़ों के अलावा और भी ज्वेलरी मैंने वहाँ से परचेज़ की है, बट मैं वो यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. मे बी जो भी चीज़ें मैंने बर्थडे के लिए ली है लाइक फुटवेयर एंड ऑल, वो शायद मैं एक दूसरे वीडियो में बनाऊँ. सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप वो सारी शॉपिंग देखना चाहते हैं जो मैंने बर्थडे से रिलेटेड की थी. आई डेफिनेटली यू नो मेक अनदर वीडियो फॉर दैट. एंड इसके बाद जब हम वेरोमोडा गए थे वहाँ पे ड्रेस देखने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक रिंग बहुत अच्छी लगी. वैसे वहाँ पे और भी एक्सेसरीज थे, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी ओनली से ये चीज़ें उठा चुकी थी तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं ली, बट मैं यू नो एक क्लिप ऐड कर दूंगी तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे और क्या क्या वैरायटीज़ अवेलेबल थी. एंड फाइनली मैंने वेरोमोडा से ये वाला रिंग जो है वो परचेज किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इसमें जो ये वाइट कलर में मार्बल प्रिंट की डिटेलिंग है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. एंड दिस कॉस्टेड मी 390 rupees. So let's just add this ring and yes, this is how it looks. So एक बार जब हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सारी ज्वेलरी एंड ड्रेस ये सब हम चेंज कर लेंगे. So now let's get started with the makeup. Okay, so मैंने ऑलरेडी अपना CTM कर लिया है एंड now we'll start with the primer. I'll be using Maybelline's Master Prime Primer. So इसे मैं अपने फेस में अच्छे से लगा लूंगी ताकि you know मेरे जितने भी pores हैं वो सब कुछ blur out हो जाए. So हम इसे फटाफट से apply कर लेंगे. ओके सो प्राइमर इज डन. अब नेक्स्ट स्टेप जितने भी होने वाले हैं ना वो सारा कुछ मैं एक एक करके पहले अप्लाई कर लूंगी एंड देन सबको एक साथ ब्लेंड करूंगी बिकॉज आज के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस में मल्टी लेयरिंग ना हो. सो जब हम एक एक स्टेप करते जाते हैं तो एक के ऊपर दूसरा लेयर जो है वो फॉर्म होते जाता है, बट आज के लिए मैं सिर्फ एक ही लेयर का मेकअप चाहती हूँ जिसके लिए मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर लूंगी एंड देन एक साथ हम सब कुछ ब्लेंड करेंगे. अगर आपको यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, आपको आगे क्लियर हो जाएगा. सो मैं अपने बेस को बहुत ज्यादा हेवी नहीं रखना चाहती हूँ, दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग मार्स बीबी क्रीम. सो इसे मैं अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी. ओके सो बीबी क्रीम हमने लगा लिया है बट मैं अभी इसे ब्लेंड नहीं करूंगी, हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज कंसीलर. एंड कंसीलर के लिए मैं आज यूज करूंगी ब्लू हेवन्स इरेज एंड एनहांस कंसीलर. सो इस कंसीलर को अब हम अंडर आई एरिया में अप्लाई कर लेंगे. सो मैं इसे अपने अंडर आई एरिया में अपने आईलिड पे, सो यस मैं अपना कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है. नाउ कंटूरिंग के लिए मैं यूज करूंगी इनसाइड का कंसीलर इन द शेड रिच टैन एंड अब इसे मैं अपने कंटूर के एरियाज में अप्लाई कर लूंगी. फॉर द ब्लश आई विल बी यूजिंग किस ब्यूटीज लिक्विड ब्लश एंड इसे मैं अपने चीक बोन्स पे अप्लाई कर लूंगी. सो मैंने इस तरीके से अपने ब्लश को भी अप्लाई कर लिया. अब सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के बाद अब फाइनली हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड ब्लेंड करने के पहले हम अपने पूरे फेस में सेटिंग स्प्रे करेंगे सो दैट ये पूरा बेस अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए एंड फिक्स भी हो जाए. सो सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैरी जॉक्स सेटिंग स्प्रे एंड अब इसे मैं थोड़ा डिस्टेंस पे रख के अपने पूरे फेस में स्प्रे कर लूंगी. एंड अब इन सबको ब्लेंड करने के लिए मैं डिफरेंट ब्रशेस का यूज करूंगी एंड जिस सीक्वेंस में मैंने सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई किया है उसी सीक्वेंस में हम उसे ब्लेंड करते जाएंगे. सो यस आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा फेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, काफी ज्यादा अच्छा नेचुरल लुक आया है एज वेल एज एक ही लेयर में मेरा सारा मेकअप जो है वो प्रॉपरली सेट हो गया. सो अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप बहुत लेयरिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी मेकअप हो जाता है एंड एज वेल एज बहुत ज्यादा फ्लॉलेस बेस भी आपको मिल जाता है. सो अब हम हमारे इस बेस को अच्छे से फिक्स कर लेंगे जिसके लिए आई एम यूजिंग जॉनसन्स बेबी पाउडर. सो मुझे मेकअप फिक्स करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगता है सो मैं इसे अपने
सो मैं इसे अपने बैक ऑफ द हैंड में इस तरीके से ले लूंगी एंड देन मैं इसे अपने अंडर आई एरियाज एज वेल एज बाकी फेस के एरिया को अच्छे से सेट कर लूंगी. एंड अब एक फ्लफी ब्रश लेकर इसे अपने पूरे फेस में अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी. अब हम चलेंगे हमारे आई मेकअप की तरफ. सबसे पहले मैं अपने ब्राउज को सेट कर लूंगी, जिसे फिल करने के लिए आई एम यूजिंग मेबेलिन्स आईब्रो पेंसिल. तो इसकी हेल्प से जितने भी गैप्स हैं मैं उसे फिल कर लूंगी. एंड अब आईब्रोज को फिक्स करने के लिए आई विल बी यूजिंग स्विस ब्यूटीज आईब्रो जेल. सो इसकी हेल्प से मैं अपने ब्राउज को अच्छे से उसके प्लेस में सेट कर लूंगी. Okay, so our eyebrows are done. And अब आई शेडो के लिए आई बी यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशंस फॉरएवर फ्लॉलेस पैलेट इन द शेड एल्योर. एंड दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. एंड मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट पैलेट है. एज यू कैन सी इसमें इतने सारे न्यूट्रल शेड्स हैं, मैट्स एज वेल एज बहुत ही प्यारे शिमर शेड्स भी आपको मिल जाएंगे. सो ये एक मल्टीपर्पज पैलेट है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो इस पैलेट में से ये जो ब्राउन टोन है हुज नेम इज रिस्की, इसे मैं पिक करके अपने क्रीज लाइन में अच्छे से एज अ ट्रांजिशन शेड इसे अप्लाई कर लूंगी. ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड पैलेट है गाइस, इसे सिर्फ टच करते ही इतना अच्छा इसका कलर पे ऑफ है एज वेल एज ये मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है. मतलब इतना इजी टू ब्लेंड है. अगर आपको एक अच्छे न्यूट्रल पैलेट की तलाश है देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस पैलेट में अपना एक एक पेनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू विल गना लव, यू विल गना एंजॉय दिस पैलेट लाइक एनीथिंग. पर्सनली मुझे ये बहुत ही ज्यादा, आई मीन मेकअप रेवोल्यूशन के ये जो रेंजेस है ना, इसमें आप कोई भी कलर शेड पिक कर लो, कोई भी पैलेट आप यूज कर लो एंड यू विल गना लव दैट. इसी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड पिक करके मैं अपने आउटर कॉर्नर्स को इस तरीके से बिल्ड करूंगी. अब इस सेम पैलेट से ये जो रोज गोल्ड शेड है इसे मैं अपने फिंगर टिप में ऐसे पिक कर लूंगी. एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्यारा शेड है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. एंड अब इसे हम अपने इनर कॉर्नर से सेंटर तक इसे अप्लाई कर लेंगे. वाओ, बहुत प्यारा शेड है. एंड अब मैं सेम ब्रश लूंगी जिससे मैंने ब्राउन कलर को मिक्स किया था एंड इसी ब्रश जो हार्श लाइन है इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि एक प्रॉपर लाइन ना दिखाई दे. नाउ फॉर द आईलाइनर आई विल बी यूजिंग मार्स लिक्विड पेन आईलाइनर. बहुत लग्जूरियस पैकेजिंग है प्लस इसका वन स्ट्रोक पिगमेंटेशन है. मुझे ये लाइनर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो अब मैं इस आई में भी लाइनर एज वेल एज लैशेज वेयर करके आपसे वापस मिलती हूँ. यस, आवर आईज आर डन. एंड अब एक फ्लफी ब्रश लेकर मैं अपना सारा एक्स्ट्रा जो पाउडर है वो डस्ट ऑफ कर लूंगी. एंड नाउ फॉर द हाइलाइटर आई विल बी यूजिंग SFR's हाइलाइटर पैलेट. एंड ये बहुत ज्यादा प्यारा, आई मीन मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा ब्यूटिफुल सा हाइलाइटर है. सो इसे मैं अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूंगी. सो हमारा हाइलाइटर हो चुका है एंड अब बचा है लास्ट स्टेप, दैट इज लिपस्टिक, जिसके लिए मैं NY Bake की ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. नाउ अपने पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं फिर से वही सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी एंड अपने पूरे फेस में अच्छे से स्प्रे कर लूंगी. एंड यस, मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मेकअप टर्न आउट हुआ है, बहुत फ्लॉलेस लग रहा है. एंड यस, विद दैट मेकअप कंप्लीट हो चुका है. अब मैं अपना आउटफिट वेयर करके आती हूँ एज वेल एज मैं अपने हेयर पे एक बो लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये वाला बो परचेज किया था एंड दिस वन इज फ्रॉम वेस्ट साइड. सो एज यू कैन सी बहुत ही प्रिटी सा ये बो है एंड क्योंकि जो मेरा ये पूरा गाउन है वो ऐसे फ्लोई सा है तो उसी के मैचिंग का मैंने ये बो परचेज कर लिया था. आई विल बी वेयरिंग दिस एज वेल. एंड अब मैं अपनी ज्वेलरी ड्रेस ये सारा कुछ कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ. सो सी यू इन अ व्हाइल.
फाइनल लुक गाइस। आई होप आज का वीडियो आपको एंटरटेनिंग एज वेल एज हेल्पफुल लगा होगा। एंड मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, दैट्स व्हाई मैंने सोचा था कि मैं अपने हेयर को कर्ल कर लूंगी, बट वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज काफी लेट हो चुका है। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो देन प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने थॉट्स नीचे कॉमेंट में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।